करगिल में हिल काउंसिल चुनाव की जीत पर आज नौशहरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लोगों ने अख्तियार में लाया। साथियों, हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर को पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरह पेश किया गया कि ना जाने यहां पर विकास की कितनी नदियां बहगी हों, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। सच्चाई यह है जो आज कारगिल के अंदर, लेह के अंदर, द्रास के अंदर, वहां के लोगों ने इस हुकूमत को, मरकजी सरकार को जो आईना दिखाया है, यही सच्चाई है। क्या असेंबली इलेक्शनों में जो है मैं भारी बहुमत होंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आऊंगा। सबसे पहले आज यहां नौशहरा की धरती से मैं अपने लेह लद्दाख कारगिल के जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन हैं, वर्कर हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई, उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को एक रास्ता दिखाया और उसके साथ ही अपनी जो हायर कमांड लीडरशिप है, जिसमें जनाबे उमर अब्दुल्ला साहब, जनाबे फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनकी क़यादत में हमने ये प्रचंड जीत जो हासिल की है, उन सबको आज के इस दिन की, आज ये जो दिन हम मना रहे हैं यहाँ पर, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जम्मू कश्मीर के आवाम ने ये सब करके दिखाया है कि देश के अंदर तानाशाही नहीं चलती, यहाँ डेमोक्रेसी है। जिन लोगों को मारा कूटा घसेड़ा जाता है, उसके बाद धक्का दिया जाता है। आज उन लोगों ने चपाटा मार कर ये जम्मू कश्मीर के अंदर जवाब दिया है। जो लोग कहते थे 50 के पार, आज आवाम ने सबक करके दिखाया है कि आवाम भी कोई ताकत है। ये मैं कहना चाहूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार ने काम किए हुए थे, पार्टी सामने से लेकर अभी तक, जो जमीनों का हक दिए, मकान दिए, रोजगार दिए, उन लोगों वो कामों को मद्देनजर रखते हुए आज जम्मू कश्मीर का एक कूना, जिसको बीजेपी कहती थी हमारा गढ़ है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर साहब भी डेरा लगा कर बैठे रहे, आज उनको वहां से ऐसा चपाटा लगा है, वहां से ऐसी बुरी शिकस्त देखी है उन्होंने। और ये फारूक अब्दुल्ला की कमाई है, फारूक साहब ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम किए हैं, आज उनका नतीजा मैं ये कहूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट की सीटें हैं, कोई दुनिया की ताकत के नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर जाए, या असम्बली की सीटें हैं, ये 90 की 90 ये दहशत कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की जेब में होगी, और नौशहरा की सीट ये बहुत बड़ी अक्सरियत में दहशत का। आप देख रहे हैं सच का सामना, और इस टाइम हम पहुंचे हैं सुरेंद्र चौधरी जी के घर के अंदर, जहां पे काफी तादाद में बाहर लोग आ चुके हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से करगिल के अंदर एक जीत हुई और बाहर ढोल भी आ चुका है, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये मैं घोड़ा ननियाल तो बोल रहा हूँ, कृपाल सिंह नाम है मेरा। यहाँ पर बहुत बहुत तादाद में कोठी सुरेंद्र सिंह चौधरी साहब के में आई हुई है, और ये पार्टी जो जीती है करगिल में, वैसे ही हमारे जो हमारे पूरे हल्के हैं उनमें पूरा जोर शोर से हम ये लोग वोटे दे, और भांगड़ा और ये वो हो रहा है, पूरा बहुत जश्न बन रहा है। और इससे आगे भी जो पूरा सुंदरबनी जंगड़, बाटा, लाम, द्राल जो भी है, ये पूरा लोग सहयोग देंगे, और बहुत खुशी। इफ यू वांट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, मिस्टर सुशील शर्मा, 7889834394।